अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सीलिंग फैन ख़राब हो जाता है, अगर आप उसको खोल चुके हैं, स्टेटर बाहर आ चुका है, तो उसके बाद आप लिनल निकालना चाहते हैं तो पंखे की लीडों की किस तरह चेकिंग की जाती है और नई लीडें किस तरह से निकाली जाती हैं, मैं आपको आज इजी तरीका बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, इतना तो हक बनता है यार, कर दो लाइक। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा स्टेटर है बिल्कुल रिमेंड हो चुका है कॉपर वायर से। इसकी चार लीडें बाहर आ चुके हैं, दो मेन की, दो स्टार्टिंग की। अब इनको हमने इन जगहों पर तारों की मदद से बाहर निकालना है। इन चार लीडों, ये चार लीडें हमने यहाँ पे लगानी है, इस मेन और स्टार्टिंग रिमेंडिंग पे, और बाहर निकाल लेना है। और इन चार तारों पे हमारी मेन और कैपेसिटर की तारें लगकर बाहर 220 वोल्ट एसी पे चालू करेंगे हम इस पंखे को इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका पंखा खुल चुका और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके दोनों सेट चालू हैं, मतलब मेन का और स्टार्टिंग का, या शार्ट तो नहीं है, तो सबसे पहले आपने अपने सीरीज पोर्ट पर जाना है। सीरीज, ये मेरे पास एक स्विच है और ये दो पोर्ट्स हैं, ये इनकी मदद से मैं ये चेक करके बताऊंगा कि मेरा स्टेटर शार्ट तो नहीं है। ये इसके बाद फिर हम इनकी लीडें निकालते हैं। ये मेरे पास 220 वोल्ट की सप्लाई, आप देख रहे हैं सीरीज के, ये मेरा सीरीज बल्ब ऑन हो रहा है, तो मैं इस पे आपके को चेक करा देता हूँ। ये देखें, हमारी सीरीज़ में करंट आ चुका है, ये आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है हमारा। ये आपको मेन चेक करा रहा हूँ, ये मेन सेट हमारा चल रहा है और ये हमारा स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग चल रही है, आप देख रहे हैं सीरीज पे हमारा चल रहा है। और आपको मैं ये बता देता हूँ, ये देख लें, ये शार्ट भी नहीं है, बिल्कुल शार्ट नहीं है इस टाइम। ये ओके हो गया, इसके बाद हम लीडें निकालते हैं इसके। मेरे पास ये वायर है 4076 की, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इस्त्री वाली लीड जो है उसके अंदर से निकाल सकते हैं, जो ख़राब इस्त्री की लीड हो जाती है, तो आप उसको उसके अंदर जो तारें होती हैं वो निकाल के आप उनको मीटर की मदद से चेक करके, या फिर सीरीज बोर्ड में लगाकर तार को चेक करके, तो अगर तार आपकी ठीक है तो आप ये भी वाइंडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको नई 4076 तार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन चारों तारों को एक साइड पे करके, ये मेरे पास कोल टोटल दो पीस हैं, लेकिन इनको एक काली तार है, एक मेरे पास ब्लू तार है, ये मैंने इनके चारों सिरों को आपस में मिला दिया है। इसके बाद ये देख रहे हैं बैरिंग के नीचे एक सुराख है छोटा सा, इस सुराख से हम इस तार को निकालेंगे। तो मैं ये डाल देता हूँ इस तरह से। आपके पास ये वाला टूजर चुनटी होना ज़रूरी है, इसकी मदद से आप ईज़िली खींच सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख चुके हैं चारों लीडें बाहर आ चुकी हैं, अब हम इनको जॉइंट करेंगे। जो दो रंग हैं काले के वो मेन के साथ लगा देंगे, और जो ब्लू कलर है नीले वाली वो हमने स्टार्टिंग पे लगा देनी है, और यहाँ से काट देना है हमने। तो इस जगह से हम इनको काट देते हैं। ये अब चार पीस हो चुके हैं, और इन पे ये एक नंबर और तीन नंबर आपके पास स्लिप होना चाहिए। तो आपने इंच इंच के पीस चार पीस काट लेने हैं, और इंच से कम होनी चाहिए एक नंबर स्लिप के, वो चार पीस काट लेने। अच्छा, ये देखें, ये चार पीस तीन नंबर स्लिप के हैं, और एक नंबर स्लिप के भी चार पीस हैं। तो एक नंबर स्लिप वाले जो पीस हैं वो आपने इधर वायर में डाल लेने हैं, जो रिवाइंडिंग की हुई हैं उन वायर में डाल लेने हैं। ये चारों पीस रिवाइंडिंग की तारों में, चारों तारों में चार पीस वन नंबर स्लिप के डाल चुके हैं। इसके बाद आपने ये तीन नंबर स्लिप वाले जो चार पीस हैं, ये आपने 4076 की जो वायर हमने इधर डाली है उसमें डालने हैं।
तो ये मैं जल्दी से डाल लेता हूँ। अब आप इस तरह करना है, ये जो चार तारे हैं इनको आपने, इनकी जो वार्निश है वो उतार लेनी है कैंची की मदद से। एहतियात करना है कि तार टूट ना जाए। मैं जल्दी से इनकी वार्निश उतार लेता हूँ। इस टाइम ये तारों पर चारों तारें छिल चुकी हैं सही तरह से। अब आपने जो दो मेन की हैं वो आपने काली वायर के साथ, दो जो काली हैं उनके साथ दो को अटैच कर देना। तो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भैया खाम की जगी बता। तो ये आपने इस तरह से इसके ऊपर लपेट देनी है 74 की तार के ऊपर, ये कॉपर वाली तार जो ग्राइंडिंग की है। फिर आपने इसकी मजबूती के लिए स्लीप, जो एक नंबर स्लीप है इसके ऊपर इसकी कॉपर वायर की तार लगा देनी है दो तीन, ताकि ये तार टूटे ना। ये सही तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है मेन तार को, मेन तार कापर तार की काली तार के साथ। अब ये तीन नंबर की जो स्लीप है इसको आपने ऊपर चढ़ा देना इसके, ताकि ये शॉर्ट ना हो। इस टाइम ये सही तरीके से जो फालतू तार वो आपने बाहर की तरफ खींच लेनी है। तो मैं ये खींच लेता हूँ बाकी तार। इसी तरह से आपने दूसरों के ऊपर भी करना है। जी दोस्तों, ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद ये स्टेटर को चेक करेंगे कि इसकी ये जो तो चारों तारें हैं, दो मेन की होगी और दो स्टार्टिंग की होंगी, ये दोनों चालू हैं। और ये चेक करेंगे कि हमारा स्टेटर शार्ट तो नहीं है, अर्थिंग तो नहीं कर रहा। ये जो दो, ये दो दो फालतू हैं वो आपने बाहर खींच लेनी है। ये सारी तारें सही तरह से टाइट कर दी हैं मैंने। अब आप यहाँ पे चाहें तो धागा वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि ये बाहर अगर कोई खींचे तो ये तारे यहाँ से टूटे ना। आपने धागा वगैरह यहाँ पे मजबूती से टाइट कर लेना है। तो अब इन चार तारों को चेकिंग की बारी आ जाती है। दो ये काली हैं, दो ये नीली हैं, इन ये दो एक सेट की हैं, ये दो एक सेट की हैं, ये मेन की हैं काली, ये हमारी स्टार्टिंग ज्वाइंटिंग की। इन चारों तारों को चेक करेंगे कि अब हमारी जो ज्वाइंटिंग हुई है ये बिल्कुल सही है या। इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में ये करना है कि सीलिंग फैन को किस तरह से फिट किया जाता है। मुकम्मल फिटिंग आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो मैं आपको ये चारों तारें सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक करवा देता हूँ कि हमारा चारों तारें ठीक हैं या ख़राब हैं। तो वेल जी दोस्तों, ये मैं सीरीज बोर्ड पे आ चुका हूँ। आप देख चुके हैं बल्ब मेरा ऑन ऑफ हो रहा था। ये मेन पे जो काली तारें हैं मैंने लगाई हुई हैं, ये बल्ब चल रहा है ये आप देख रहे हैं, और ये शार्टिंग वगैरह भी नहीं है। इसके बाद ये आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पे भी बल्ब चालू हो रहा है आप देख रहे हैं, ये बल्ब चल रहा है, और ये अर्थिंग
दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मैं इसमें वार्निश डाल रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसमें सीलिंग फैन के स्टेटर में वार्निश लाजमी से डालनी है ताकि ये जल्दी हीट ना हो। और आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है, ये वार्निश आपने लाजमी डालनी है और इसे कुछ देर के लिए धूप में सूखने देना है और इसके बाद आपने इसको फिट करना है तो ये ज़्यादा अरसा चलेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। वार्निश के बगैर आपने फिट नहीं करना। हमने इस पंखे की मुकम्मल फिटिंग करनी है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है।